हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक्स के ऊपर। इन सभी स्टॉक्स में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो कौन से लेवल पे ये ब्रेकआउट आया है, हम लोगों को कैसे अपने ट्रेड को प्लान करना है, अगर हम लोगों के पास ऑलरेडी है तो फिर हम लोगों का क्या प्लान होना चाहिए, इन सभी लेवल्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक है पॉलीकैब। इससे पहले भी इस स्टॉक के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया था, उस टाइम में यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था। इस लेवल पे पर्टिकुलर अगर हम लोग बात करेंगे 27th of September को हम लोगों ने बात किया था। उसके बाद से नेक्स्ट टू ट्रेडिंग सेशन यानी कि थर्सडे और फ्राइडे को स्टॉक में ज़्यादा बड़ा मोमेंटम देखने को मिला नहीं है, बट स्टॉक वीकली बेसिस पे अगर देखेंगे तो अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है। इस स्टॉक के पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो स्टॉक बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड में है। एक बड़ा मोमेंटम हुआ, यहाँ पे स्टॉक हॉल्ट किया, 4 वीक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद वापस से मोमेंटम किया, रीटेस्ट किया सेम लेवल को, और अब जो है स्टॉक यहां पे आपको ब्रेकआउट करके क्लोज दे दिया है वीकली बेसिस पे। तो इस स्टॉक में एक अच्छा तेजी ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है, तो इस स्टॉक को हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए बाय करेंगे स्विंग ट्रेडिंग बेसिस पे। अगर आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पे अगर आपने 100 क्वांटिटी को प्लान करना है तो यहाँ पे कम ही क्वांटिटी को ही ऐड करना है, 10-15 क्वांटिटी को ही ऐड करना है, या फिर 20 क्वांटिटी को ऐड करना है, क्योंकि 3000 के लेवल से स्टॉक में एक जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिला है। यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ नहीं है, रिट्रेसमेंट कभी भी हो सकता है। तो अगर आप बिल्कुल ही लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो फिर स्टॉक में आपको धीरे धीरे निवेश करना है। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे अगर आप स्विंग ट्रेडिंग बेसिस पे स्टॉक को लेना चाहते हैं तो फिर आप करंट मार्केट प्राइस पे ले सकते हैं। नीचे की साइड जो है हम लोगों का SL 4850 के नीचे होना चाहिए, तो तकरीबन 500 पॉइंट का आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होने वाला है, और ऊपर की साइड में जो है आपका यहाँ पे 6000 और 6000 के ऊपर 6500 तक का एक बड़ा लेवल देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे तो नेक्स्ट स्टॉक है L&T। L&T अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे क्लियरली अगर देखेंगे L&T अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न इस स्टॉक का हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक में भी अगर आपको बिल्कुल ही लंबे समय के लिए निवेश करना है तो स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में करना है, जैसे जैसे डीप होगा वैसे करना है। यहाँ पे एक अच्छा हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, स्टॉक में एक मोमेंटम हुआ, उसके बाद स्टॉक जो है यहाँ पे आपको 2 वीक्स हॉल्ट किया, एक अच्छे मोमेंटम के बाद स्टॉक 2 वीक्स हॉल्ट किया, और अब जो है वापस से यहाँ पे 3000 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक में एक अच्छा तेजी हम लोगों को 3500 की तरफ देखने को मिल सकता है। नीचे की साइड में स्टॉप लॉस जो है वो आपको 2850 के नीचे रखना है वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। ऊपर की साइड में जो है 3500 तक का हम लोगों को एक बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है, और इस स्टॉक को डिप पे आप अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इस कंपनी के पास, और जो है अपने सेक्टर का वन ऑफ द लीडर स्टॉक है। थर्ड स्टॉक की बात करेंगे तो थर्ड स्टॉक है इलेक्ट्रास्ट। यहाँ पे स्टॉक में हम लोगों को एक बहुत ही जबरदस्त मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिला था, इनफैक्ट 13 ईयर का ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिला था 60 रुपीज के लेवल के ऊपर। यहाँ पे क्लियरली अगर देखेंगे तो इस लेवल में हम लोगों को एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिला था। 2010 के बाद स्टॉक ने इस लेवल को आपको क्रॉस किया था। यहाँ पे क्लियरली अगर देखेंगे इनफैक्ट 2008 के बाद 15 ईयर का ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिला था। मंथली बेसिस पे इस स्टॉक को हम लोगों ने कवर किया था जब स्टॉक यहाँ पे आपको अगस्त मंथ में क्लोज हुआ था चार्ट ऑफ द मंथ में। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक ने इस ब्रोकन जो रेसिस्टेंस था इस रेसिस्टेंस को रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद इस वीक में हम लोगों को एक शानदार तेजी ऊपर की साइड में देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने प्रीवियस 3 वीक के मोमेंटम को इंगल्फ किया है, एक बहुत ही अच्छा बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, और स्टॉक 70 के लेवल के ऊपर क्लोज हो चुका है।
तो इस स्टॉक में अब एक अच्छा तेजी ऊपर की साइड में हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे इस स्टॉक को हम लोग करंट मार्केट प्राइस पे बाई कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे 60 रुपीज के नीचे होना चाहिए, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ऊपर की साइड में 100 रुपीज तक का एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे तो नेक्स्ट स्टॉक है देवयानी इंटरनेशनल। देवयानी इंटरनेशनल अपने ऑल टाइम हाई पर ब्रेकआउट देके क्लोज दिया था। हम लोगों ने इस स्टॉक को डिस्कशन किया था, उसके बाद अगर देखेंगे तो स्टॉक में हम लोगों को एक रिट्रेसमेंट दिखा, रिट्रेसमेंट वापस से स्टॉक ने जिस लेवल को ब्रेकआउट किया था उस लेवल तक हम लोगों को रिट्रेसमेंट देखने को मिला। और अब जो है यहाँ पे इस रिट्रेसमेंट लेवल पे जो कि अब एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, जो प्रीवियस रेसिस्टेंस था अब एक सपोर्ट है, वहां पे एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, एक ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ और एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन वीकली बेसिस पे देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक में एक अच्छा तेजी ऊपर की साइड में हम लोगों को देखने को मिल सकता है। नीचे की साइड में हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा 185 के नीचे, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा रेंज का ब्रेकआउट हुआ है और इसी लेवल से वापस से जो है स्टॉक रीटेस्ट करके बाउंस कर रहा है। तो 185 के नीचे इस स्टॉक में हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है वीकली क्लोजिंग बेसिस पे। ऊपर की साइड में हम लोगों को 300 तक का एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है नेक्स्ट 6 मंथ टू 1 ईयर में। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक है सन फार्मा। सन फार्मा के शेयर में देखेंगे स्टॉक में एक अच्छा तेजी हम लोगों को देखने को मिला, ऑलमोस्ट 925 के लेवल से 920 के लेवल से स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिला। उसके बाद स्टॉक यहां पे आपको हॉल्ट कर रहा था और स्टॉक ने यहां पे 1150 के लेवल के ऊपर कई बार क्लोजिंग देने का कोशिश किया, क्लोजिंग नहीं दे पाया। फाइनली आफ्टर मल्टीपल अटेम्प्ट्स यहां पे अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट स्टॉक ने 7 वीक्स ट्राई किया, उसके बाद अब जाके स्टॉक ने यहां पे 1150 के लेवल के ऊपर क्लोज दिया है। तो एक अच्छा बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे वीकली बेसिस पे दिख रहा है, साथ ही साथ जो है 1100 के और 11150 इस रेंज के ब्रेकआउट का भी हम लोगों को क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। स्टॉक में एक अच्छा तेजी जो है 1250 1300 के लेवल के साइड देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ स्टॉक एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न का भी फॉर्मेशन कर रहा है, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को भी अप्रोच कर रहा है। इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई जो है वो है 1200 का और स्टॉक अभी 1160 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, वीकली बेसिस पे क्लोज हो चुका है। तो स्टॉक सबसे पहले अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा और उसके बाद इस स्टॉक में और भी ज्यादा तेजी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर देखेंगे तो स्टॉक यहां पे ऑलमोस्ट 9 ईयर में एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। यहाँ पे देखेंगे 2015 से स्टॉक जो है यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो 8.5 ईयर में एक अच्छा पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। तो स्टॉक में जब इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट होगा तो एक शानदार तेजी ऊपर की साइड में आपको देखने को मिल सकता है, 1700-1800 तक का लेवल इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म में आपको देखने को मिल सकता है। इसी वजह से 1100 के लेवल के नीचे जो है वीकली क्लोजिंग बेसिस पे आप अपने स्टॉप लॉस को प्लेस करके इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। पहला टारगेट जो है वो आपका 1200 के ऊपर 1250 और फिर उसके ऊपर 1500 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। और लास्ट स्टॉक है सफारी। सफारी के शेयर में हम लोगों को बहुत ही जबरदस्त तेजी देखने को मिला है, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर में स्टॉक ने यहाँ पे आपको 3-4 टाइम्स का एक बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है और वापस से स्टॉक में हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला, उसके बाद वापस से तेजी, अगेन रिट्रेसमेंट और अब वापस से स्टॉक ने इस प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। इस स्टॉक में जो है हम लोगों को 4500 और फिर 5000 के लेवल की तरफ एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इस सेक्टर के सभी स्टॉक्स में एक अच्छा तेजी दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है 4000 के लेवल के ऊपर इस स्टॉक में एक अच्छा तेजी आपको 4500 और 5000 की तरफ देखने को मिलेगा। नीचे की साइड में स्टॉप लॉस जो है 3500 के नीचे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस होगा। आई होप आप लोगों को सही पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।